वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यस, ये मेरा बेडरूम है। लाइक जो पहले मेरा रूम था अम्मी घर में बिलाल वाला, वही मेरा बेडरूम है। यस, और घर सेट हो गया है। कैसे हुआ, जो जो क्लिप्स मैंने लिए पहले जाएँ जाके वो देख लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है, कैसे सेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा घर सेट हो चुका है। ये हालत मेरी शिफ्टिंग की वजह से ऐसी हो रही है। अभी मेरे घर सामान उड़ गया है और यहाँ आए, लेकिन सेट नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं पता कब सेट होगा। इस वाली वॉल पे, हाँ ये कार्टन हटा दे। बहुत बुरी हालत हो रही है। टाइम लगाती हूँ, टाइम हो गया 1:15। बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब मजा आ रहा है मूसा, मजा आ रहा है। निसार भाई काम कर रहे, सिंगल हैं ये, कोई लड़की देख ली है तो इनको DM करें निसार भाई को। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे निसार भाई का। 0300-599-0933। बाहर की हो, आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान की चलेगी। सही है, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी भी चलेगी, अगर पहला ऑप्शन बाहर का। फॉरनर चाहिए इनको, नहीं हो तो फिर कोई भी कंट्री की चलेगी। UAE का हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, UAE, तुर्की हो, कितनी हो। ये चेंज हो गया, ये भी गंदे हो रहे हैं। सही फिक्स करना, कभी कोई नीचे गिर रहे। और ये अलमारी इधर आ रही थी, कब तुम्हें पता नहीं, ये दोनों अलमारी में, मेरी अलमारी भी आएगी। और बाहर जो अलमारी जो है अम्मी की, वो यहाँ आएगी। दादा गुस्सा नहीं, हाँ तीनों, हाँ तो क्या हो जाओगे फेमस, बस मेरे ब्लॉग में आके दोनों फेमस हो जाओगे, काम आना शुरू हो जाएंगे। सही है, हाँ पान तो के बात करो ना निसार भाई, मेरे बचपन से है यहाँ पे। हाँ यहीं से थूको, खिड़की खराब करो तुम। हाँ थूक दिया पान, क्या फरमा रहे थे? मैं कह रहा था ये हमारी बहुत अच्छी बेटी है। हाँ। मेरीसा नाम इसका, बचपन से इसका काम करते आती हम लोग। जब मैं पैदा हुई थी, जब पैदा हुई थी मेरी गोद में खेली थी, उसी दिन ये आप हमारे घर आए थे। जब आप कितने साल के थे? मैं उसको अंदाजा नहीं है, था मैं तो 10-11 के। अब ये बता दो, और जब से ये आज तक हमारे पास ही है, शुरू से पानी पत्ते नहीं था। इनके इनके भाई गया, उनके भाई गया, फिर भाई गया, अली को सही गया, उजवा भाई गया, अमीर भाई गया, इनके सारे घर के काम मैं ही करता हूँ। किसी को कराना हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, कराना हो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 0300-599-0933 है। सही है, फिर पंखे इनके सारे उतरवाने, चेंज कराना, बेड लगाना, फर्नीचर उठवाना, लगवाना, बस काम पब्लिसिटी करो। यस, बस इस तरह से घर सेट हो गया था जब अम्मी थी, थोड़ा थोड़ा जब हो गया था, फिर अम्मी के जाने के बाद कुछ हो गया, जब जैसे अम्मी का सामान हटा तब हो गया, बस इस तरह से ऐसा ऐसा हो रहा था। और उसके बाद जब अम्मी गई हैं तो फिर मैंने रोते रोते घर सारा सेट किया, लाइक अलमारियाँ वगैरह और जो भी कुछ था। जाहिर से तो रोना तो आएगा ही, और फिर बस हो गया। घर इतना बुरा लग रहा है, इतना खाली खाली, लाइक बहुत ही सन्नाटा हो गया घर में, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया, बिल्कुल खाली होके रह गया घर। और अभी मूसा गया हुआ है ऊपर अपने फ्रेंड्स के पास खेलने, तो मैं जवाद का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मूसा को बुला लूँगी, जैसे जवाद आएंगे तो फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी के लिए। तो बस यही था। और मैंने जब भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि घर में अकेले बैठ गए एकदम बिल्कुल इतना बुरा, ऊपर अपने फ्रेंड्स के पास, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ बहुत आ रही है बच्चों की, जो मुझे लग रहा है नीचे आ रहे हैं सारे, मुझे लग रहा है नीचे ही आ रहे हैं।
तो बस घर इतना अजीब सा हुआ था, लाइक वीरान सा, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ अकेले बैठने से। मूसा आया था अपना बैट बॉल लेने, ऊपर बच्चों का बैट बॉल खेल रहा है, तो बस ये था। फ़ोन की इतनी मेमोरी है फिर भी वो फुल हो चुकी है, बार बार वीडियो बनाते हुए ना वीडियो एंड हो रही है क्योंकि मेमोरी फुल हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि ब्लॉग को यहीं रोकते हैं और वापस से अपने रूम में जाके इसको ना एम्प्टी करते हैं, क्या कहते हैं, स्पेस करते हैं कि भाई फिर मैं ब्लॉग कैसे करूँगी अगर यही इस तरह से मेमोरी फुल होती रहेगी। जो पिछली वीडियोज़ हैं जिनका आपको यूज़ दें तो उसको अब हम डिलीट करते हैं आराम से बेडरूम में बैठते हुए। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी करने करके और उसके बाद बस मैं फ़ौरन ही चली गई थी। जैसे ही जवाद भी जब ही आ गए थे फिर मैं मूसा को ऊपर लेने गई, फिर हम चले गए थे ग्रॉसरी के लिए। और पता क्या हुआ, मेरे पीछे ना ये लाइट कम हो रही है, अब सही है नहीं, अभी भी सही नहीं है, ये सही है, बहुत बुरी हालत हो गई, लेकिन इग्नोर क्योंकि भाई जाहिर से तो थकन भी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ना थकन भी है और फिर कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन सही है हम ऐसे ही हैं। तो क्या हुआ था, हम मेरे पीछे ट्रॉली लगी हुई थी और उन दो औरतें थी, उन्होंने ना ठीक ठाक अपने पर्स में ना सामान डालता और मेरा फ़ोन बस जाते जाते बचा, थैंक गॉड। मतलब मेरे हाथ में फ़ोन था, मुझे पता चल गया मेरे हाथ से निकाल, मैंने मतलब मैं दुपट्टा सही करके मैंने फ़ोन गलती से ना ट्रॉली पे रख दिया और वो उठा रही थी और फिर कहने मैं टाइम देख रही थी, मतलब फिर उन्होंने बोला कि मैं टाइम देख रही थी, मैंने कहा मतलब क्या मतलब। फिर बाद में जब हमारा बिल्डिंग आया तो फिर मुझे उस लड़के ने कि उन्होंने पर्स में भी सामान भरा था, उनको ट्रॉली उनकी निकलवा दी थी, फिर वहाँ से फिर चेकिंग वगैरह हो रही थी। तो थैंक गॉड मैं बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ोन बच गया। वैसे भी अब तो दिल भी नहीं चाहता कि फ़ोन इंसान ना बाहर लेके निकले, छोटा फ़ोन जो नोकिया के 33,000 है ना वही ले लेने चाहिए जो हालात कराची के हुए हैं। खैर बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नहीं कर देते हैं जी। तो देखें कैसे बिल्ली बेचारी पापा को ढूंढते हुए घर में आ गई थी और बस ने दूर से पापा का रूम देखा, लाइट बंद थी तो वापस जा रही थी और मुझे डोर बंद करेगा मत जाओ, और फिर जब वो उसके रूम के पास जाएगी तो फिर और चीखेगा कि मेरे रूम में भी मत जाओ। खैर तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, हाफिज़, लॉट्स ऑफ लव।